हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर सीक्वेंस की ही क्लास में बात करेंगे। सीक्वेंस का जो टाइप है वो एक टाइप होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक जो इसका टाइप है मोनोटोनिक सीक्वेंस का, कि कब सीक्वेंस को आप मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस जिसमें मोनोटोन समरूपता हो, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि मीन्स इसमें क्या हो, सीक्वेंस दो तरीके से, जैसे ये देखा जाए, मान लीजिए आप जैसे ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यहाँ से मीन्स आप ऐसे लिख रहे हैं कि एफ एन इज लेस आर इक्वल टू एफ एन प्लस वन फॉर एवरी एन आर, और एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एन प्लस वन फॉर एवरी एन। तो ऐसे सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहा जाता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब इसमें दो टर्म आएगा, फर्स्ट है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड, तो हम लोग इसकी बात करेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा जाता है जब ऐसा हो कि एफ एन एफ एन इज लेस आर इक्वल टू एफ एन प्लस वन फॉर एवरी एन, मीन्स एफ वन लेस आर इक्वल टू एफ टू, एन की वैल्यू आप रखिए, एन की वैल्यू वन, एन टू, एफ टू लेस आर इक्वल टू एफ थ्री, एफ थ्री लेस आर इक्वल टू एफ फोर, एफ फोर लेस आर इक्वल टू एफ फाइव, लेस आर इक्वल टू की बात हो रही है, एंड डॉट 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 एफ हंड्रेड लेस आर इक्वल टू एफ 101 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके का सीक्वेंस हो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट एफ एन एज माइनस वन बाई एन, इसका जो टर्म होगा एफ एन माइनस वन बाई एन का, आप सिंपली लिखेंगे दिस -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड डॉट डॉट डॉट। मीन्स इसको देखिए, एन वन है, एन इस पर हम लोग एन ले लेते, 2, 3, 4, तो जैसे आप एन की वैल्यू वन रखें, माइनस में आया -1, 2, -1/2, 3, -1/3, -1/4, और जैसे इसको आप टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे जीरो की तरफ जाएगा, तो ये हम लोग डॉट डॉट से बस डिनोट करते हैं कि इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा टेंस टू जीरो। तो ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, मीन्स यहाँ पे -1 is less than -1/2, -1/2 is less than -1/3, less than -1/4, less than -1/5, ये स्ट्रिक्ट की भी केस है, यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट भी हो रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस मोड में। और अगर ये सीक्वेंस हमारा हो जाए कि एफ एन इज, आप दूसरा एग्जांपल देखो, 100 एन इज लेस आर इक्वल टू 1000, एन का मान जब एक से लेकर के 1000 तक लिया जाए तो 100 आए। इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं, दिस एन स्क्वायर एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1000। तो इसमें आप देखेंगे सीक्वेंस जो एफ वन है 100, एफ टू 100, एफ थ्री 100 एंड डॉट 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 एफ 1000, ये भी कितना है 100 ही है। तो इस केस में एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज एफ थ्री डॉट 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 इज इक्वल टू एफ 1000। बट जैसे ही एन की वैल्यू आप 1001 रखेंगे, उस केस में एफ 1001 कितना होगा, 1001 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स एफ 1000 इज लेस देन एफ 1001, सिमिलरली दिस इज लेस देन एफ 1002,
less than f1003 and this dot dot dot. So we can write in general this sequence fn is monotonically increasing. Similarly हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करेंगे. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इसमें भी आप ये करते हैं कि अगर सीक्वेंस ऐसा हो कि एफ एन इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एन प्लस वन, मीन्स अगला टर्म फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स हर जो अगला टर्म है पीछे वाले से छोटा होता चला जाए. मीन्स सीक्वेंस क्या हो, जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि छत पे हो और छत से सीढ़ी से उतर रहे हो नीचे की तरफ उतरना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की केस आ जाएगी. अब आप जैसे नीचे हो और सीढ़ी से छत पे चढ़ना हो तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की केस आती. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एफ़ वन ग्रेटर आर इक्वल टू एफ़ टू है, एफ़ टू ग्रेटर आर इक्वल टू एफ़ थ्री, ग्रेटर आर इक्वल टू एफ़ फोर एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ऐसी केस आ जाएगी. और आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा, एफ एन इज वन बाई एन, एफ एन एज वन बाई एन स्क्वायर दूसरा एग्जांपल, तीसरा आप ले सकते हैं एफ एन इज टू बाई एन पावर फोर. इस तरीके से आप एग्जांपल बहुत सारा ले सकते हैं. एफ एन इज हंड्रेड बाई एन पावर पी, वेयर पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1001. तो ये सारे सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस होंगे. अब इसमें एक और टर्म है मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनी स्ट्रिक्टली मीन्स उसमें इक्वलिटी की साइन नहीं होती. सीक्वेंस जैसे ही हो जाए एफ एन स्ट्रिक्टली लेस देन एफ एन प्लस वन फॉर एवरी एन, मीन्स एफ वन लेस देन एफ टू, एफ टू लेस देन एफ थ्री, लेस देन एफ फोर, स्ट्रिक्टली लेस देन एफ फाइव एंड दिस डॉट डॉट डॉट. सिमिलरली एक टर्म है मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. इसमें आप क्या करेंगे, ये सीक्वेंस लिखा हम लोगों ने, इसमें कि एफ वन ग्रेटर देन एफ टू, ग्रेटर देन एफ थ्री, ग्रेटर देन एफ फोर, ग्रेटर देन एफ फाइव, मीन्स इक्वलिटी की केस नहीं होगी ऐसे सीक्वेंस में. तो थैंक यू, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.